आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में स्वच्छता अभियान के तहत मुस्लिम समाज के नौजवानों ने घोघर कब्रिस्तान में साफ सफाई का अभियान चलाया है। यहां कब्रिस्तान में व्याप्त गंदगी पर प्रशासन की अनदेखी के कारण अब नौजवानों ने साफ सफाई का बीड़ा उठाया, जिसके लिए सुबह से ही काफी संख्या में नौजवान सफाई के लिए निकल पड़ते हैं। आपको बता दें कि घोघर कब्रिस्तान में बाउंड्री न होने के कारण हमेशा आवारा पशुओं की चहलकदमी बनी रहती है, जिसके कारण यहाँ गंदगी का आलम व्याप्त है। यहाँ नगर निगम प्रशासन की उदासीनता के चलते हालत ही अब बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में कुछ नौजवानों ने कब्रिस्तान की सफाई का बीड़ा उठाया है। बता दें कि बीते एक सप्ताह से नगर के कई युवक एकत्रित होकर कब्रिस्तान में साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। नौजवान युवकों ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से रीवा के विकास पुरुष स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा शमशान घाट व ईदगाह सहित अन्य स्थानों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, यदि कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल निर्माण कराया जाए तो यहाँ की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो सकती है। यहाँ पास अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा गंदगी थी और ये गंदगी कई सालों से चलती आ रही है। नगर निगम और प्रशासन का इस पर किसी भी प्रकार से कोई नज़र नहीं थी, तो हम तमाम युवा भाई कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करने के लिए आगे आए हैं और ये पूरी कब्रिस्तान की साफ़ सफाई आज आठ दिन पूरे हो चुके हैं। 8 दिन से लगातार सफाई चल रही है और इंशाअल्लाह ये सफाई तब तक चलती रहेगी जब तक पूरी कब्रिस्तान को साफ़ और स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। कई जगह मतलब विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि इस ओर भी उनका ध्यान जाएगा? मेरा ये मानना है कि उनकी अभी तक इस कब्रिस्तान पे नज़र गई ही नहीं है। इंशाअल्लाह अगर उनकी नज़र यहाँ तक जाएगी तो जरूर ही इसके बारे में सोचेंगे और आगे कार्य करेंगे। तो ये काम आप लोग किस स्तर पे और कहाँ तक करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमारी तो उम्मीद ये है कि इस कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर सुअर रौंदती है, गाय गोबर गू पड़े रहते हैं और गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमारी उम्मीद तो ये है कि ये कब्रिस्तान पूरी तरीके से साफ़ और स्वच्छ हो जाए और कब्रिस्तान के चारों तरफ बाउंड्री हो जाए। ये देखा जाता है कि यहाँ भी पार्षद चुना जाता है, पार्षद भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम क्यों ध्यान नहीं देता कि ऐसा क्या है? जितने भी नेता आते हैं सब अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे की गड्डियाँ सेकते हैं और चले जाते हैं और काम और विकास की ओर एक भी उनका ध्यान नहीं रहता। नहीं, अभी जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ शमशान घाट में मंत्री जी आए थे, वहाँ का मतलब विकास की बात उन्होंने कही और शायद शुरू भी हो गया, तो आप मानते हैं कि अगले चरण में यहाँ घोघर कब्रिस्तान में होगा? अभी तक उनकी नज़र घोघर कब्रिस्तान में नहीं गई है, जैसे ही ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनकी नज़र इस घोघर कब्रिस्तान में जाए और यहाँ भी वो हिस्सा लें।